आज मैं बनाने जा रही हूँ मिस्सी रोटी, जिसे हम अचार, दही और सॉस के साथ खा सकते हैं और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आटे में 4 चम्मच बेसन मिलाया है। आप अपनी इच्छा अनुसार बेसन मिला सकते हैं, जितना मिलाना चाहे। अब मैं इसमें कटा हुआ प्याज और चौलाई के पत्ते डाल रही हूँ। नमक भी इसमें मैंने अब ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। अब मैं आटा गूंद लूंगी। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें चौलाई के पत्ते डाले हैं। आप इसमें लहसुन के पत्ते, धनिया, कोई भी पत्ते डाल सकते हैं, मूली के पत्ते, जो भी आपके पास अवेलेबल है, पालक के पत्ते। अब मैंने इसमें मिलाया मसाला, गरम मसाला, और अब मैं आटे को अच्छी तरह से गूंद लूँगी। कई बार बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, तो बहुत अच्छा है हम उसे इस तरह से बच्चों को मिस्सी रोटी में गूंद करके उन्हें खिला दें, क्योंकि आपको पता ही है हरी पत्तेदार सब्जियां आँखों के लिए कितनी अच्छी होती है। आटे को हम ठीक से गूंद लेंगे। आटा भी तैयार हो चुका है और बर्तन में घी लगा करके आटा उसमें हम डाल देंगे। टेढ़ा बना करके सिंपल हम रोटी की तरह इसे बेलेंगे और हम पका देंगे। इसे बेल करके तवे पर डाल देंगे। इसमें अब हम घी लगाएंगे, जैसे ये थोड़ी सी सिक जाएगी। मिस्सी रोटी काफ़ी करारी बनती है, क्रंची बनती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मिस्सी रोटी कैसी लगी है। ऑलमोस्ट तैयार है ये हमारी मिस्सी रोटी। थोड़ा सा इसको करारा कर लेते हैं आप। ये सॉफ्ट भी बनती है और क्रंची और करारी भी बनती है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसे कितना करारा करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।